हेलो गाइस गाइस, आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि आप कैसे प्रोफेशनल तरीके से फॉर्म्स बना सकते हैं। ये फॉर्म्स किसी भी इंस्टीट्यूशन या एजुकेशनल फील्ड में यूज़ हो सकते हैं। इसमें आप किसी भी डाटा को आप फिल करवा सकते हैं। आप इससे किसी भी इवेंट या फीडबैक को भी ले सकते हैं। अगर आप फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप इस ऐप से बिल्कुल फ्री में और 100% प्रोफेशनल तरीके से फॉर्म्स बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और आपको सर्च बार में टाइप करना है फॉर्म ऐप। फॉर्म्स ऐप ये पहला आ गया है। इस पर क्लिक करके ये हमको डाउनलोड कर लेना है। मैंने इसे पहले से डाउनलोड किया है। आप देख सकते हैं इसकी जो रेटिंग है 4.1 की रेटिंग है, जो काफ़ी अच्छी, और 1 मिलियन प्लस डाउनलोड्स भी हैं। और इसका जो साइज है वो 14 MB है। इसका साइज 1 MB नहीं है। तो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। यहीं से ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है। इसके बाद आपको इस एरो पर क्लिक कर देना है, फिर एरो पर क्लिक कर देना है। आप इसमें कई तरह के रिस्पॉन्स सेव कर सकते हैं, PDF में, CSV में, कई तरह के एक्सपोर्ट कर सकते हैं फॉर्म्स अपने। इसके बाद आपको यहाँ पे किसी भी अकाउंट से अपने लॉगिन कर लेना है जिसमें आपको ज़रूरत हो। मैं किसी भी अकाउंट कर लेता हूँ। और इसके बाद आप यहाँ से कई तरह के टेम्पलेट्स आपको दिखते हैं। आपको यहाँ पे फीडबैक के टेम्पलेट्स मिलते हैं, एजुकेशन, हेल्थ, रजिस्ट्रेशन, फूड, ट्रैवल टूल्स, एप्लीकेशन। आपको यहाँ पे कई तरह के ऐसे मिल जाते हैं टेम्पलेट्स जो पहले से बनाए हुए हैं। मैं कोई भी टेम्पलेट्स ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे कैसे यहाँ पे नेम, स्टाफ आईडी, डिपार्टमेंट, यहाँ पे हर तरह के क्वेश्चन से। तो अगर आपको बनाना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पे क्रिएट ब्लैंक फॉर्म। आप यहाँ से इसका टाइटल देख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एडमिशन फॉर्म। और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं हम, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। फिल ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन। अब यहाँ से आप कई तरह के, अगर आपको नेम ऐड करना है तो आप यहाँ से नेम ऐड कर सकते हैं शॉर्ट आंसर से, ईमेल ऐड कर सकते हैं, नंबर, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन, स्टार रेटिंग, डेट एंड टाइम, एंड ऐड सेक्शन भी कर सकते हैं आप यहाँ से। तो मैं सबसे पहले नेम ऐड करना चाहता हूँ तो इस शॉर्ट आंसर पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ NAME नेम, फुल नेम यहाँ से। और ये नेसेसरी है तो इस पर आपको रिक्वायर्ड करना होगा। अगर आप डिलीट करना चाहते हो इस वाले ऑप्शन पर डिलीट कर सकते हैं। और आप कुछ अटैच करना चाहते हैं तो यहाँ से वीडियो, इमेज, वेबसाइट भी अटैच कर सकते हैं, बट हमको यही चाहिए तो मैं बस क्लिक कर देता हूँ और ये हमारा क्रिएट हो चुका है। इसके बाद मैं यहाँ पे कई तरह के फॉर्म्स के, यहाँ पे मैं क्लास डाल देता हूँ। और इसे भी रिक्वायर कर देता हूँ। अगर ये रिक्वायर नहीं करूँगा तो इसकी मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है ये, तो मैं इस पर कर देता हूँ। सिंपली आपको इस के कट कर देना है, उसके बाद ये आपका क्रिएट हो जाए। आप यहाँ से नंबर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कुछ जेंडर ऐड कराना है तो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके ऑप्शन दे सकते हैं, जैसे जेंडर के यो जेंडर आ गया, ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, मेल, फीमेल, ये हो चुका। आप इसे रिक्वायर करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, नहीं करना चाहते तो ऐड ऑप्शन क्लिक कर दीजिए। बस ये हो गया आपका क्रिएट फॉर्म। आप यहाँ से डेट, टाइम, स्टार रेटिंग भी दे सकते हैं। आप इसे ये देना हो, गिव योर फीडबैक, ये लिख के आप इसमें रिक्वायर कर सकते हैं लास्ट में ऐसे प्रोफेशनल तरीके से।
हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं, ऐसे कैसे आपका फॉर्म बना है, ये इस तरह से आपका फॉर्म बना है, फुल नेम, क्लास, योर जेंडर, गिव योर फीडबैक, आप ऐसे क्लिक करें, ये कितना अच्छे बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आप चाहते हैं इसमें थीम ऐड करना, तो आप यहाँ से थीम भी ऐड कर सकते हैं, बिजनेस थीम, एग्रीमेंट, एनालिटिक्स, कई तरह के थीम मिल आपको मिल जाते हैं यहाँ पे बिल्कुल फ्री में। आप बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से इस पर एडिटिंग कर सकते हैं। ये मैंने ऐड कर दिया, बिल्कुल प्रोफेशनल लग रहा है अब, ये बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से हो चुका है मेरा। इसके बाद आपको इस सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अगर आप यहाँ से चेंज थीम भी कर सकते हैं, यहाँ पे किसी का लोगो चाहिए तो आप यहाँ से लोगो भी चेंज कर सकते हैं, मुझे कोई लोगो नहीं चाहिए तो मैं ऐसे ही डन कर देता हूँ। वेलकम पेज, स्टार बटन, अगर आप इसे किसी भी यूजर से कई बार रिस्पॉन्स लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसे टिक कर सकते हैं, नहीं लेना चाहते तो आप इसे अनचेक कर दीजिए। इसके बाद आपको सिंपली आप देख सकते हैं, अगर आप इस लिंक को यहाँ से कॉपी करके कहीं भी पेस्ट कर देंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉर्म दिखेगा। मैं व्यू फॉर्म पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा स्टार स्पेलिंग गलत थी इसलिए ऐसा दिख रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं इस लिंक को अपने क्रोम में, ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, अब यहाँ पे डन करता हूँ तो आप देख सकते हैं आ चुका है फॉर्म। आप इसे क्रोम में भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, स्टार्ट, फुल नेम, आलोक, क्लास, टेंथ, योर जेंडर, मेल, गिव योर फीडबैक, इसमें यहाँ से मैंने वेरी गुड कर दिया, सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद मेरा रिस्पॉन्स सबमिट हो जाएगा, आप इसके रिस्पॉन्स को भी देख सकते हैं इस ऐप के इस ऐप से। आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे आप न्यू वन रिस्पॉन्स देखते हैं तो ये आप यहाँ से जो मैंने रिस्पॉन्स दिया यहाँ पे आप बिल्कुल अच्छे से देख भी सकते हैं। आलोक, मैंने जो फॉर्म फिल किए यहाँ पे आपको दिख सकता है, आप इसे यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं पीडीएफ में। आप इस ऐप से बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से अपनी फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप ऐसे फॉर्म बनाना चाहते हैं तो आप इस ऐप को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको इस ऐप में कोई भी तकलीफ़ या परेशानी होती तो आप हमको कमेंट कीजिए, मैं उस परेशानी को रिजॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हम इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए कि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहें।